चार मकदम है। यूपी के रहने वाले 42 साल बरकत अली मनियार ने 40 साइंटिस्ट सर्टिफिकेट बनाकर अपने आप को साइंटिस्ट कहते हुए लोगों को धोखा दे रहे थे, जिनमें मुंबई, गोवा, कोडल और हैदराबाद के इलाके शामिल है। पलकनुमा एसीपी सैयद फैयाज ने इस तरह के धोखेबाजों से आवाम को आगाह किया है। पलकनुमा पुलिस ने रैन बाजार काला पत्थर चंद्रायन गुट्टा एबिट से बरकत अली मनियार के खिलाफ शिकायत मिलने पर बरकत अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और पलकनुमा पुलिस ने इस तरह के धोखेबाजों से दूर रहने को कहा है। एक जुर्म है, इस पे आजकल सोसाइटी के अंदर लोग ऐसा धोखा दे रहे हैं कि अपने आप को वो लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल के, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बोल के अपने लोगों के पास सोसाइटी में जाकर लोगों के पास से फंड्स कलेक्ट करना और बैंक में आरबीआई में हमारा मालूम है बोल के बैंक में बड़े बड़े लोन रकम कलेक्ट कर रहे, जब लोगों को हिरासत दिला रहे कि अपने जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अवाम उस पर डबल इंटरेस्ट आता बोल के और डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ धोखाबाजी है। अवाम ऐसे लोगों से रब्त करते से पहले वो लोग सोचना चाहिए कि जो आदमी आकर आपको बता रहा है कि वो एक साइंटिस्ट है या नहीं तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसकी जानकारी करना ज़रूरी है। बगैर जानकारी के, बगैर तहकीकात के, बगैर मालूम करे अगर आप लोग पैसे उसके हवाले कर दिए तो आपको नतीजा धोखाबाजी है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। ऐसा एक वाकया हैदराबाद सिटी के अंदर ओल्ड सिटी में एक शख्स उसका नाम कारी बरकत अली मानियार बोल के एक शख्स को हमने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 10 केसेस रेन बाजार पुलिस स्टेशन पर, चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन पर और फलकनुमा पुलिस स्टेशन पर और काला पत्थर पुलिस स्टेशन पर और कई दूसरी जगह भी उसके खिलाफ केसेस दर्ज कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद था, अवाम में जाना, जो भी इनोसेंट अवाम है उन लोगों के पास जाना, मैं DRDO का साइंटिस्ट हूँ बोल के बताना या नहीं मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ बोल के बताना, वो लोगों के पास से नगद रकम वसूल करना, आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा बोल के वो लोगों के पास धोखाबाजी दे के पूरा पैसा कलेक्ट कर चुका है। इसके खिलाफ हम लोग तो केसेस बुक कर रहे हैं और अदालत में भी पेश कर चुके हैं, सबूत भी हमने ले लिया था। सबूत लेने के बाद इसके खिलाफ हमने PD Act का भी लागू किया है। सर टोटल कितना अमाउंट अब तक चीट किया है? अभी हमारे देखने में आया है कि तकरीबन 10 क्रिमिनल केस तो है, 1000 करोड़ को रिलीज अमाउंट।